हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ आलू के भुजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आलू भुजिया बनाना। और मैंने ये रेसिपी किस तरीके से बनाई है आइए देख लेते हैं। आलू भुजिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कढ़ाई में तेल ले लिया है और कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। तो सबसे पहले इसमें जीरा डाल देंगे, तो जीरा 1/2 चम्मच डाल रही हूँ मैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से भुजिया बनाने वाली हूँ मैं। और जीरा के साथ 1 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। जीरा जैसे ही हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसमें हम आलू डाल देंगे। यहाँ पर मैंने भुजिया काट के रखी है, तो जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है, तब ये भुजिया जो काटी हुई है हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए हैं कटे हुए, मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे और बीच में एक बार हम चलाएंगे इसे। तो मैं गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे और मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ। बीच में चला लेंगे भुजिए को। आलू को हमें 90% तक पका लेना है, उसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। तो ऐसे ही ढक के पकाएंगे, तो मैं इसे दोबारा से ढक दे रही हूँ। फिर से आलू को हम चला लेते हैं। और मैं इसे फिर से ढक रही हूँ जब तक कि आलू हमारे पक नहीं जाते। आलू को ढककर पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और बीच में हमने 1-2 बार चलाया है और आलू हमारे 80 से 90% तक पक चुके हैं। इसमें अब हम हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। यहाँ पर मैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए हम 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि जो आलू है हमारे पूरी तरह से पक जाएं। और अभी मैंने नमक नहीं डाला है, नमक लास्ट में डालेंगे बिल्कुल। आलू को अब हमें ढकना नहीं है, सिर्फ लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे इसे। अगर हम ढक के पकाएंगे तो आलू हमारे गल जाएंगे। भुजिया हमारी पक चुकी है, तो अब इसमें नमक डाल लेते हैं। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और इसके बाद गैस के फ्लेम को फुल करके भूनेंगे इसे 1 से 1/2 मिनट तक, ताकि नमक अच्छे से आलूओं में चला जाए और आलू हमारे थोड़े कड़क भी हो जाए। तो लगातार चलाते हुए भूनेंगे। लगातार चलाते हुए आलू को मैंने 1 से 1/2 मिनट तक भून लिया है और ये भुजिया हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं इसे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी आलू भुजिया तैयार हो चुकी है और देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। और सारे आलू बिल्कुल खिले खिले हैं। आलू का भुजिया जब भी बनाए तो कढ़ाई को बहुत ही गर्म कर लेना है, नहीं तो आलू हमारे कढ़ाई में चिपकने लगते हैं। किसी भी भुजिया को बनाने से पहले कढ़ाई को बहुत गर्म कर लेना है, उसके बाद हम गैस के फ्लेम को कम करके तब भुजिया बनाएंगे।
ये हमारा भुजिया बिल्कुल तैयार हो गया। लीजिए फ्रेंड्स, भुजिया तैयार है। आप इस भुजिया में जरूर ट्राई कीजिए और इसे पराठा रोटी किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है आलू भुजिया, और आलू भुजिया सभी को बहुत पसंद भी आता है, तो जरूर ट्राई कीजिए। अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे साथ कमेंट करके भी शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।